फ्रेंड्स, दिस इज तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फिजिक्स चैप्टर विल बी मोशन स्टेट लाइन सरल रेखा में एक गति। आज का आपका जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग, इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बोर्ड जी एंड नीट। जी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड के लिए तो आपका ये इंपॉर्टेंट है ही। टॉपिक आपका है रिलेटिव वेलोसिटी, हिंदी में आप इसको बोलते हो सापेक्षिक वेग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का हमें ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर? तो रिलेटिव वेलोसिटी की नीड क्यों पड़ी, इसको समझने से पहले, इसको समझने के लिए मान लो कि आप एक ट्रेन में जा रहे हो, आप ट्रेन के अंदर हो और ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो आगे की तरफ जा रहा है। आपके ही बगल में, आपके ही सामने एक बैग पड़ा है, आप ट्रेन के अंदर हो, बैग भी ट्रेन के अंदर है। मुझे अभी बताओ, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बैग की स्पीड कितनी है, बैग की स्पीड कितनी है, बात समझना आप। और एक पर्सन वो ट्रेन के बाहर है, एक पर्सन ट्रेन के बाहर है, वो रुका हुआ रेस्ट कंडीशन में, आप और बैग ट्रेन के अंदर है, ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है और एक पर्सन बाहर खड़ा है, मुझे आप भी बताओ बैग की स्पीड कितनी होगी। तो आपके रिस्पेक्ट में बैग की स्पीड कितनी है ये बताओ, आपको क्या लगेगा कि बैग तो रेस्ट कंडीशन में है आपके रिस्पेक्ट में, तो हमारे रिस्पेक्ट में बैग की स्पीड कितनी है, बैग की वेलोसिटी कितनी है, जीरो। लेकिन जो पर्सन आपका बाहर खड़ा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये जो ट्रेन है ये आगे की तरफ जा रहा है, तो बैग भी आपका आगे की तरफ जा रहा है, तो उस पर्सन को क्या लगेगा कि जो बैग की जो स्पीड है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ कि जो बैग की एक्चुअल में वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, बैग की वास्तविक में जो बैग का जो वेग होगा वो डिफरेंट होगा, वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो, कोई पर्सन बाहर खड़ा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, बात समझ में आ रही है। तो मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, कोई पर्सन बाहर खड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे, दोनों मूव कर रहे हैं, या तो दोनों रेस्ट कंडीशन में, इस तरीके का कोई भी सिचुएशन है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी फाइंड करना है, तो दैट फिनोमिना, ये जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हम बोलेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्षिक वेग। तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आएगा, दो चीजें आएंगी। हम किसी एक की वेलोसिटी निकालेंगे और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बात समझ आ रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, समझो आप ऐसे, मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए इधर जा रहा है, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक आपका इधर जा रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक की स्पीड में आपको बोलता हूँ कि इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है और इस ब्लॉक की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। मुझे आप ये बताओ, ए की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, इस ब्लॉक को क्या लगेगा, यहाँ पे जो पर्सन है, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है उसको क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आ रहा है, ये इसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड, एक मिनट, इसको आप एक काम करो, इसको आप 10 लेके चलो तो आपको क्लियर ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको मैं 15 लेके चलता हूँ, आपको क्या लगेगा, इस वाले ब्लॉक को क्या लगेगा कि इस पर्सन की स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, ये खुद कितनी स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये बताओ। तो और ये जो ब्लॉक है ये भी आगे की तरफ आ रहा है कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सोचो तो ये इसकी स्पीड 10 और इसकी स्पीड 10 कैंसिल आउट, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि ये स्पीड 10 और ये स्पीड 10 कैंसिल आउट, ये बताओ तो इसकी स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो इस वाले ब्लॉक को क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ आ रहा है, ब्लॉक भी क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ब्लॉक भी ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो ब्लॉक है ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में एक स्पीड कितनी है, एक्चुअल में एक की वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड एक्चुअल में, बट उसको लगे क्या रहा है बी को, कि बी को क्या लगेगा कि जो ए है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आ रहा है। ये तो हो गया ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बी की वेलोसिटी बताओ ए के रिस्पेक्ट में, ए को क्या लगेगा, ए को ये लगेगा, ए क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ए क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये 10 मीटर
ये बताओ ये 10 मीटर और ये 50 मीटर कैंसिल, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है धीरे धीरे धीरे। ये बताओ जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये बताओ ये इसके क्लोज में आता चला जाएगा और एक कंडीशन में ये इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। ए को क्या लग रहा है, ए को ये लग रहा है एक्चुअल में ए आगे जा रहा है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि जो बी है वो इसके पीछे की तरफ आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ए की वेलोसिटी वो ए आपका आगे की तरफ जाना है, लेकिन ए को ऑब्जर्व क्या होगा धीरे धीरे डिस्टेंस कम होगा ना, तो ए को क्या लगेगा कि जो बी है वह 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब इसका मतलब आप समझना, इसका कहीं भी अगर ऐसा लिखा है तो मैं किसकी वेलोसिटी निकालना हूं, ए की वेलोसिटी निकालना हूं, किसके रिस्पेक्ट में निकालना हूं, बी के रिस्पेक्ट में। यानी कि ए की वेलोसिटी आप फाइंड कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा है, बी ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और एक बात मैं और लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा हूं वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां पे किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो आप, बी की वेलोसिटी निकाल रहे हो, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये अगर आपको निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी, सबसे पहले ए है तो वी ए, बी है तो वी बी, वी ए माइनस वी बी। यहां पे बी और ए है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए। बात समझ में आ गई आपको। अब जैसे इसी वाले एग्जांपल में मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए की वेलोसिटी कितनी है, वी ए। सबसे पहले जब आप ये फॉर्मूला पुट अप करोगे तो आपको डायरेक्शन 101% आपको साथ में रखना है, डायरेक्शन के साथ ही आप यहां पर वैल्यू पुट अप करोगे मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ये बताओ ये ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे की तरफ, ये वाला ब्लॉक भी कहां जा रहा है, आगे की तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना, 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना, 10, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना, 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना, एक का वेग 15, ये आपका हो जाएगा माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों में अगर आप देखो एक बात समझना, आप ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, प्लस 5, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है, माइनस 5। प्लस 5 का मतलब क्या हुआ, आगे की तरफ, माइनस 5 का मतलब क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बी क्या ऑब्जर्व कर रहा है, बी क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ए है वो प्लस 5 से आगे की तरफ आ रहा है, बी क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ए है वो प्लस 5 से आगे की तरफ आ रहा है, ये क्या है, ए ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बी की जो वेलोसिटी है वो माइनस 5 है, ए क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बी है वो माइनस 5 से पीछे की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये एक थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम इस पे बेस थोड़ी से फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट बताता हूं। चलो अब यहीं पे एक इसका मैं इसकी फॉर्मूले में आप इसका किस तरीके से ड्राइव करोगे वो समझो। मान लेता हूं, मान लो कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, एक ब्लॉक है वो यहां पर है, ये ब्लॉक ए, और एक ब्लॉक है वो यहां पर है, ये ब्लॉक बी। ध्यान से समझना, ये रेफरेंस पॉइंट है जीरो। स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो है, स्टार्टिंग में जब टाइम आपका जीरो है, तो ये जो ब्लॉक है इसकी पोजीशन, ये कहां कौन सी पोजीशन पे है, तो ये आपका कौन सी पोजीशन पे है, इसको मैंने ले लिया एक्स ए नॉट। अब बात सुनना, एक्स ए क्या है, पोजीशन ऑफ द है ए, जीरो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये कौन से टाइम पे है, ये जीरो टाइम पे, यानी कि स्टार्टिंग की आप बात कर रहे हो, ठीक है। बी की पोजीशन कितनी है, तो बी की पोजीशन निकालने के लिए यहां से ये हो जाएगा आपका एक्स बी नॉट, ये बी की पोजीशन और ये ए की पोजीशन, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक ए है ये आपका वी ए स्पीड से मूव कर रहा है, ये जो ब्लॉक बी है ये आपका वी बी स्पीड से मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम रेफरेंस पॉइंट से ये एक्स ए नॉट पर है, बी आपका रेफरेंस पॉइंट से एक्स बी नॉट पॉइंट पे है, एक्स बी नॉट डिस्टेंस पर है, कुछ देर बाद ये बताओ आफ्टर टाइम टी, मैं यहां पे लिखता हूं,
आफ्टर टाइम टी, ये बताओ टी समय बाद, टी समय बाद सिचुएशन क्या होगी, आफ्टर टाइम टी सिचुएशन क्या होगी। ये जो ब्लॉक यहां पर है ये बताओ कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, सपोज करो वो यहां पर आ गया, ये जो ब्लॉक है ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, सपोज करो वो यहां पर आ गया, बात समझ आ गई। अब मेरी आप बात समझना, ये वाला ब्लॉक पहले यहां पर था डॉटेड लाइन यानी इनिशियल पोजीशन, ये वाला ब्लॉक पहले यहां पर था ये इनिशियल पोजीशन है, ये ए की इनिशियल पोजीशन है, ये बी की इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन ए की और ये बी की फाइनल पोजीशन, क्लियर है। ए की इनिशियल पोजीशन ये बताओ ये कितना था, ये आपका था एक्स ए नॉट, यहां से ये कितना था आपका, ये आपका था एक्स बी नॉट, यही तो था ना। ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था आपका, ये आपका मूव कर रहा था वी ए स्पीड से और ये आपका मूव कर रहा था कितने स्पीड से, वी बी स्पीड से, यही तो था ना। आफ्टर टाइम टी, एक सेकेंड मिनट जो इसको रफ कर देता हूं वरना ये रफ नहीं होगा फिर। आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद सिचुएशन ये है, मुझे आप ये बताओ इनिशियल में जब टाइम जीरो था तो ए की पोजीशन कितनी थी, एक्स ए नॉट, आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद ए कहां पर है, ये बताओ टी समय बाद ए यहां पर है, पहले यहां पे था, इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बताओ, ये वेलोसिटी, टाइम कितना है आफ्टर टाइम टी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, अगर मैं ए की बात करता हूं तो अगर मैं बात करता हूं ए के लिए तो फॉर ए ब्लॉक, ए ब्लॉक के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना, वेलोसिटी कितनी है ए की, वी ए है, टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो डी इक्वल टू वी ए इंटू टी, यानी कि जो ए वाला जो ब्लॉक है वो कितना डिस्प्लेस होगा, वी ए इंटू टी, तो पहले यहां पे था बाद में यहां पे गया तो ये डिस्प्लेस कितना हुआ, ये जो डिस्प्लेस हुआ ये डिस्प्लेस कितना हुआ आपका, ये आपका डिस्प्लेस हुआ वी ए इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ तो फाइनल पोजीशन कितनी, तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फाइनल पोजीशन बताओ तो फाइनल पोजीशन ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा ए आपका यहां पर है तो इसको मैंने लिख दिया पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ए एट द टाइम टी, एक्स ए जीरो का मतलब क्या हुआ कि जीरो टाइम पर, एक्स ए टी का मतलब क्या हुआ टी टाइम पर, बात समझ आ गई, तो ए टी टाइम पर ब्लॉक की पोजीशन कितनी है, ए ब्लॉक की ये है। अब बात करते हैं बी की, बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो फॉर बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये बताओ तो ब्लॉक बी कितना डिस्प्लेस होगा, वी बी इंटू टी, तो पहले यहां पे था बाद में यहां पे गया तो ये डिस्प्लेस कितना हुआ, वी बी इंटू टी, तो अब ब्लॉक की फाइनल पोजीशन कितनी, बी ब्लॉक की फाइनल पोजीशन कितनी, तो बी ब्लॉक की फाइनल पोजीशन हो गई एक्स बी टी। कुछ डाउट है, सिंपल है, कुछ मैंने नहीं किया है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो आफ्टर टाइम टी ब्लॉक आपका यहां पे आ जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वी ए टी, तो ये हो जाएगा एक्स ए टी, बी वाला ब्लॉक यहां पर था तो इनिशियल पोजीशन थी एक्स बी नॉट, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वी बी टी, तो फाइनल पोजीशन आपका हो जाएगा एक्स बी टी, सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, यहां पर डायग्राम देख के बताओ एक्स ए टी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ए टी, एक्स ए टी का मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम टी पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ए, ये बताओ तो क्या करोगे, इनिशियल प्लस जो भी डिस्टेंस कवर किया, तो इनिशियल में कितना है एक्स ए नॉट, डिस्टेंस डिस्प्लेस कितना हुआ वी ए टी, क्या लिखोगे आप एक्स ए नॉट प्लस वी ए टी, ये तो बात हो गई ए की। बी की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ द ब्लॉक बी एट द टाइम टी कितना होगा, बी की पोजीशन ये बता दो, बी की पोजीशन ये एक्स बी टी, कितना इनिशियल प्लस जो भी आपका डिस्प्लेस हुआ है, तो इनिशियल कितना एक्स बी नॉट प्लस वी बी टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज दैट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ब्लॉक, ए और बी के बीच का गैप कितना होगा, ए और बी ये बताओ, तो ए कितने पॉइंट पर, कितने डिस्टेंस पर है एक्स ए, बी कितने डिस्टेंस पर है एक्स बी, ये बताओ, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा ए और बी के बीच गैप, तो ए और बी के बीच का गैप कितना एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, तो मैं निकाल लेता हूं, मैं माइनस कर देता हूं, तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए
टी इज इक्वल टू माइनस कर दो आप, तो एक्स बी नॉट प्लस वी बी टी माइनस एक्स ए नॉट प्लस वी ए टी। अगर मैं इसको साथ में लिखता हूँ तो मैं इसको और उसको मैंने एक साथ लिखा तो एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस वी बी टी माइनस वी ए टी। इसको एक साथ मैं और लिखता हूँ तो मैंने लिखा एक्स बी नॉट माइनस एक्स ए नॉट प्लस टी को मैंने कॉमन कर लिया तो बचा कितना वी बी माइनस वी ए, ये आपका हो जाएगा एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी। ये आपको आ गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू ब्लॉक एट द टाइम टी, ए टी समय में ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट कब का है जीरो टाइम पर, और ये जो है ये डिस्टेंस कितना कवर आपका हुआ। ठीक है, इतना करने के बाद, इतना आपको समझने के बाद से अब इसी पे बेस आपका तीन ग्राफ आपका आता है जो आपको एग्जाम में करने होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ ग्राफ आपको किस तरीके से यहाँ पे तीन कंडीशन आपकी बनती है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, अभी यहाँ पे तीन ग्राफ टोटल आपको बनाने हैं। ग्राफ किस तरीके से आपको बनाना है वो समझो। टोटल यहां पर आपके पास तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, बताओ अगर ए की वेलोसिटी बी से अधिक हो, मुझे आप ये बताओ ए की वेलोसिटी अधिक है, ये बताओ अगर इसकी वेलोसिटी इससे अधिक है तो ये बताओ तो ये ज़्यादा तेजी से गति करेगा, और अगर ये मूव करेगा तो ये बताओ धीरे धीरे एक एट द सेम टाइम, ये बताओ ये ए क्या करेगा बी को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। ए की वेलोसिटी अधिक है, ये जो है इसकी वेलोसिटी अधिक है, बी की वेलोसिटी कम है, यानी कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये जो गैप होगा धीरे धीरे कम होगा। एक कंडीशन में ये जो ए है ये बी को ओवरटेक कर देगा, ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, ये बात समझ आ रही है। ये ए बी को कितनी बार ओवरटेक करेगा, एक ही बार कर सकता है बस, ए इसकी स्पीड अधिक हो तो एक बार ओवरटेक करके ये आगे की तरफ ये निकलता चला जाएगा अभी। ठीक है, यानी कि अगर आप ए एक्स और टी के बीच में ग्राफ बनाओ, अगर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स और टी के बीच में टाइम और पोजीशन के बीच में। मुझे बताओ स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो जब टाइम जीरो है तो सबसे पहले बताओ दोस्त, अगर टाइम जीरो है तो ए की पोजीशन कितनी थी स्टार्टिंग में एक्स ए नॉट, बी की पोजीशन कितनी थी एक्स बी नॉट। सबसे पहले कौन है, ए वाला ब्लॉक है, फिर बाद में कौन है बी वाला ब्लॉक है, यानी कि यहाँ से ए आपका यहाँ पर कहीं पे होगा, ए की पोजीशन यहाँ पर होगी और बी वाला ब्लॉक कहीं पे यहाँ पर होगा। तो स्टार्टिंग में ए कितने डिस्टेंस पर है, तो ए स्टार्टिंग में कितने डिस्टेंस पर है एक्स ए नॉट, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका एक्स ए नॉट। बी कितने डिस्टेंस पर है, तो बी हमारा कितने डिस्टेंस पर है, ये आपका डिस्टेंस पर है एक्स बी नॉट। ए हमारा यहां से मूव करेगा, बी हमारा यहां से मूव करेगा, ए की पोजीशन स्टार्टिंग में एक्स ए नॉट और बी की पोजीशन स्टार्टिंग में एक्स बी नॉट। क्लियर है, क्वेश्चन में एक्स और टी के बीच का ग्राफ है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि ए का वेग बी के वेग से अधिक है, और आपको पता है कि x और t के बीच में अगर मुझे ग्राफ दिया है तो उसका जो स्लोप होगा, उसका जो ढाल होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें वेग देगा, वो हमें वेलोसिटी देगा। मुझे आप ये बताओ स्लोप जो होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है। अब वेलोसिटी किसकी अधिक है, a की वेलोसिटी अधिक है, तो सिंपल सी बात है जो स्लोप होना चाहिए a का वो हमारा अधिक होना चाहिए स्लोप ऑफ b। ए का स्लोप अधिक होना चाहिए ना, ए का स्लोप अधिक होगा इसका मतलब क्या हुआ, ए की वेलोसिटी अधिक है, सीधी सी बात है।
ठीक है ग्राफ। अब देखो अब ए हम ए जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहा है, ए हमारा जर्नी स्टार्ट कर रहा है कहां से, इस पॉइंट से, बी यहां से। किसका स्लोप अधिक होना चाहिए, ए का स्लोप अधिक होना चाहिए। कितनी बार ओवरटेक कर रहे हैं, एक बार ओवरटेक करेगा, वन टाइम ओवरटेक, ये भी ध्यान देना आप, वन टाइम ओवरटेक। जितनी बार ओवरटेक करेंगे उतनी बार ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ए का स्लोप अधिक है तो ए का स्लोप ये होता है, तो ए वाला ग्राफ जैसे जैसे टाइम बीतेगा पोजीशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये देखो ए वाला ग्राफ जैसे जैसे टाइम बीतेगा ए वाला ब्लॉक आपका धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा, यानी पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है देखो पोजीशन धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये पोजीशन ग्राफ है, ये हो गया ए का स्लोप। बी वाले ग्राफ ये होता है, बी वाला ग्राफ यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसकी भी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड कम होगी तो इसका जो स्लोप होगा वो कम होगा। देखो इसका स्लोप ये है, ये वेलोसिटी ऑफ बी, ये वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों एक दूसरे को कहां पे कट करे, यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम होगा इस टाइम पर क्या होगा आपका, ओवरटेक होगा। बात समझ आ गई, ये पहली कंडीशन का ग्राफ है कि अगर वीए की स्पीड वीबी से अधिक हो तो। चलो अब मैं दूसरी कंडीशन बताता हूं आपको, इफ वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी। मुझे अभी बताओ अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो, वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या हुआ, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, दोनों के बीच में गैप सपोज करो 5 मीटर का गैप है, कितने मीटर का, 5 मीटर का। ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ये तो दोनों अगर दोनों के अगर स्पीड सेम है तो क्या इनके बीच का जो गैप है क्या वो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। सीधी सी बात नहीं बताओ, तो ये दोनों सेम स्पीड जाते रहेंगे ना, अगर सेम स्पीड सेम वेलोसिटी रहेगी तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो बराबर ही रहेगा। अब अगर गैप मेंटेन रहेगा तो क्या दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक करेगा, नहीं करेगा, ओवरटेक नहीं करेगा, दोनों की वेलोसिटी सेम है। मतलब कि जो ग्राफ आप बनाओगे उसका स्लोप भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी सेम है तो नो ओवरटेक, कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकता। अगर ओवरटेक नहीं करेगा तो वेलोसिटी और टाइम के बीच, एक्स और टी के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, देखो पोजीशन एंड टाइम, फिर से वही सिचुएशन, स्टार्टिंग का जब टाइम होगा टी इक्वल टू जीरो तो स्टार्टिंग में ए हमारा यहां पर है, इसकी पोजीशन कितनी, एक्स ए नॉट, बी हमारा यहां पर कहीं पे होगा, इसकी पोजीशन कितनी, एक्स बी नॉट, ए हमारा यहां से जाएगा बी हमारा यहां से जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ए हमारा यहां पर है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा पोजीशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती रहेगी। बी हमारा यहां पर है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा पोजीशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती रहेगी। पोजीशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ हमारा कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या हुआ कि स्लोप कैसा बनाओगे आप, स्लोप विल बी सेम, स्लोप भी कैसा होना चाहिए, ढाल भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए हमारा इस तरीके से जाएगा, बी का जितना स्लोप इसका होगा उतना ही स्लोप आपका किसका होना चाहिए, बी का। तो ये वाला बी, ये है ग्राफ बी और ये है ग्राफ ए। देखो तो दोनों का स्लोप सेम है, दोनों एक दूसरे को कभी ओवरटेक नहीं करेंगे, मतलब कि इन दोनों के जो बीच का जो गैप होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। ये ग्राफ हो गया कब का, अगर वी ए और वी बी दोनों सेम है तो। क्लियर है। अब एक थर्ड ग्राफ आपका आता है, इसको आप स्क्रीन शॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट बता देता हूं। थर्ड ग्राफ यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। थर्ड ग्राफ में क्या होगा वो समझ लो, थर्ड ग्राफ में मैं आपको बोल रहा हूं कि ए आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, बी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। अगर दोनों के वेलोसिटी अपोजिट हो, ए आपका जा रहा है फॉरवर्ड, बी आपका जा रहा है बैकवर्ड, मतलब ये है ए और ये है बी, दोनों की वेलोसिटी देखो अपोजिट है, वेलोसिटी अपोजिट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे अभी बताओ। ए हमारा यहां पर था, ए हमारा जा रहा है आगे की तरफ, ये बताओ तो ए की पोजीशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी।
बी हमारा कहाँ जा रहा है, बी हमारा अभी बी की डायरेक्शन चेंज, बी हमारा जाएगा इस साइड, ये तो अगर बी हमारा इस साइड में जाएगा तो बी की पोजीशन धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी ना, ए की पोजीशन बढ़ रही है, बी की पोजीशन धीरे धीरे कम हो रही है और ये दोनों एक जगह पे ओवरटेक कर देंगे, सिंपल सी बात है, दोनों एक जगह एक जगह पे क्या करेंगे, दोनों को ओवरटेक कर देंगे, तो ए की पोजीशन धीरे धीरे बढ़ेगी, बी की पोजीशन धीरे धीरे कम होगी, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे बी यहां से स्टार्ट होगा तो बी की पोजीशन धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, ये देखो पोजीशन धीरे धीरे कम हो रही है बी की, और एक जगह पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे, ये ग्राफ हो गया तीन कंडीशन।